Hello everybody, welcome to my fourth lecture of the first chapter, Measurements and Experimentation. So hum log class 9th ICSE ka first chapter physics ka hum discuss kar rahe the, measurements and experimentation. Theek hai, to humne already 3 lectures is chapter par cover kar liya hai aur pehla chapter ka first part A humne cover up kar liya hai. ठीक है, आज हम पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर नंबर 4 में. तो मैं पहले बता दूं कि आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है कम्प्लीटली, और प्रैक्टिकल के बिना हम थियोरेटिकल इसको समझने का कोशिश करेंगे. थोड़ा सा टफ महसूस होगा, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट मैनर, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इवन विदाउट वी आर यूजिंग द प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट वी आर एक्चुअली यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक. ठीक है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए थ्रू आउट द वीडियो. ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट द होमवर्क विच हैज बीन सेंट. दिस इज द होमवर्क फ्रॉम माई प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में मैंने जो होमवर्क दिया था उसका ये स्क्रीनशॉट है. लेकिन किसने मुझे ये होमवर्क भेजा, उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, तो वो एनोनिमसली नाम एनोनिमस है, ये पता नहीं किसने भेजा है. तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप होमवर्क मुझे भेजिएगा, आप क्लियरली अपना नाम और स्कूल उसमें मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हु हैज सेंड मी द होमवर्क. ओके, द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लीस्ट काउंट. ठीक है, वॉट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, लीस्ट काउंट. आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ. ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट. ठीक है, जैसे आप अपने पेंसिल बॉक्स में जो आपका स्केल रखा हुआ है, आपका जो रूलर है, उस रूलर को आप हाथ में उठाइए, आप उस रूलर को लीजिए और आप बताइए कि आप मिनिमम कितना लेंथ, कितना अमाउंट ऑफ लेंथ एक्यूरेटली उस स्केल से मेजर कर सकते हैं. कम से कम कितना अमाउंट ऑफ लेंथ आप उस स्केल से मेजर कर सकते हैं, आप मुझे बताइए. आप थोड़ा टाइम लीजिए और आप देखिए उस स्केल को कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट यू कैन टेक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन टेक विद योर स्केल, विद द स्केल दैट यू हैव इन अ पेंसिल बॉक्स. ठीक है, तो आप देखिएगा कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट इज 1 mm, 1 मिलीमीटर का लेंथ वहाँ पे ग्रेजुएशन रहता है. 1 मिलीमीटर तक का स्मॉलेस्ट लेंथ हम वहाँ मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 मिलीमीटर से छोटा, 1 मिलीमीटर से कम का लेंथ को हम उस स्केल द्वारा मेजर नहीं कर सकते. यानी हमारा वो स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 mm. तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या हो जाता है, किसी भी डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हम किसे बोलते हैं कि जितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जितना मिनिमम मेजरमेंट वो ले सकता है एक्यूरेटली, वही होता है उसका लीस्ट काउंट. ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है. जैसे थर्मामीटर, आपके घर में जो थर्मामीटर है उसका भी एक लीस्ट काउंट होगा, वो एक मिनिमम टेम्परेचर को रीड कर सकता है एक्यूरेटली. ठीक है, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो जाता है. तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का अपना लीस्ट काउंट होता है. So what is the definition? The least count of any instrument is the smallest measurement. The smallest measurement that can be taken accurately. एकदम सही सही से आप वो accuracy से आप ले सकते हैं. उसी smallest measurement को least count बोलते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा instrument जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और आज हम जिस instrument को start करने वाले, उसका नाम vernier calipers है. क्या नाम है? vernier calipers. ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है ये हम आज स्टडी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर्स हम स्टडी करेंगे. लेकिन कम्प्लीटली टॉपिक को आज क्लियर कम्प्लीटली आज हम कम्प्लीट नहीं करेंगे. वर्नियर कैलिपर्स का कुछ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम रखेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है. तो आइए देखते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोग के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं. तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स का ये एक्सपेरिमेंट भी है, प्रैक्टिकल. दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स है आपका जो प्रैक्टिकल सिलेबस का. ये पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है कि वर्नियर कैलिपर से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर,
आपको मेजर करना है. तो आप लोग स्कूल में, आप चाहे किसी भी ICSE स्कूल में पढ़ क्यों ना रहे हो, आपको ये करना है, लैब का ये सिलेबस है. तो आपको ये वर्नियर कैलिपर्स आपको वहाँ देखने को मिलेगा, आपके लैब में ये है, ज़रूर है. अगर आपने नहीं देखा है तो जब स्कूल खुलेगी और आप लैब में जाइएगा तो आपको ये आपको दिया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. तो ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ है कि हम इससे किसी बॉल, छोटा बॉल का हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं, स्मॉल मेजरमेंट्स अगर हमें लेने हैं तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके हम ले सकते हैं. ओके, सो ओके, नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. यू कैन सी देयर इज़ अ मेन स्केल. आप देखिए यहाँ लेबल क्या हुआ है, मेन स्केल. पार्ट्स को समझते हैं, आप ध्यान से देखिए. एक मेन स्केल रहता है, ठीक है, उस पर ग्रेजुएशन किया हुआ है. आप देखिए 0, 1 छिप गया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4. जैसे आपके स्केल में, आप जैसे आपका पेंसिल बॉक्स में जो रूलर रखा हुआ है उस पर जिस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 मार्किंग किया हुआ है, उसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल में मार्किंग किया हुआ है, ठीक है. यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर तक, यहाँ 0 से 10 सेंटीमीटर तक का मार्किंग किया हुआ है. और बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह का मार्किंग आपके पेंसिल बॉक्स में रखा हुआ रूलर में किया गया है, ठीक है. तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस है यहाँ पे मूवेबल वर्नियर स्केल का. वो क्या है भैया? आप देखिए मेन स्केल के ऊपर यहाँ पर ग्रे कलर का एक दूसरा स्केल दिख रहा है जिसे क्या बोला गया है, वर्नियर स्केल, ठीक है. तो वर्नियर स्केल जो है ये मूवेबल स्केल है, इसको मूव किया जा सकता है, इधर से इधर आप मूव कर सकते हैं, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं मेन स्केल के ऊपर, ठीक है. तो वर्नियर स्केल इज नोन एज मूवेबल स्केल बिकॉज इट कैन ग्लाइड, इट कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल. तो आप मेन स्केल के ऊपर इस वर्नियर स्केल को आप स्लाइड कर सकते हैं. और वर्नियर स्केल में कैसा डिवीजन है, आप इस चीज को, वर्नियर स्केल का डिवीजन को देखिए, ठीक है. तो वर्नियर स्केल का डिवीजन को आप देखिए, यहाँ 0 लिखा हुआ है वर्नियर स्केल में पहला, और कहाँ तक है ये 10, यानी वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. वर्नियर स्केल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है. जो हमारा मेन स्केल था उस पर एक यूनिट लिखा हुआ था सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया था कि मेन स्केल 10 सेंटीमीटर तक का उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है. ग्रेजुएशन का मतलब मार्किंग, ठीक है, उसमें मार्किंग किया हुआ है. लेकिन हमारा जो वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल स्केल है, उस पर कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वो कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. तो इस बात को आप अभी याद कर लीजिए कि द वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स. द वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. ओके, एंड वर्नियर स्केल इज द मूवेबल स्केल. इसमें कोई डाउट नहीं है आई थिंक, ठीक है. तो अभी कुछ चीज़ों को हमने समझा, धीरे धीरे हम मूव करते हैं. ओके, नाउ हियर इनसाइड जॉज लिखा हुआ है. जॉज क्या है? पहला जो जॉ है आपका, ये आपका मेन स्केल का जॉ है. आप देखिए ये मेन स्केल का जॉ है, और जो दूसरा जॉ है ये आपका वर्नियर स्केल का जॉ है, ठीक है. तो और आपका नीचे के तरफ भी दो जॉज हैं, इसको बोलते हैं आउटसाइड जॉज. तो ऊपर के जॉज को इनसाइड जॉज बोलते हैं, नीचे के जॉज को आउटसाइड जॉज बोलते हैं. इसमें भी जो आपका फर्स्ट जॉ है वो आपका मेन स्केल का जॉ है, और जो आपका मूवेबल जॉ है वो आपका किसका जॉ है? वो आपका वर्नियर स्केल का जॉ है. यानी जब आप वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं मेन स्केल के ऊपर, तो आपका ये जो मूवेबल जॉ है ये आगे पीछे होता है, और आप इसको जो मेन स्केल का जॉ है उसके साथ स्टिक भी कर सकते हैं अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है. यहाँ तो फिगर में दोनों जॉज के बीच में हमने एक स्मॉल बॉल को रख दिया है. मान लीजिए बीच में कोई बॉल हमने नहीं रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों जॉज को हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्नियर स्केल तो स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर, तो हम इसको स्लाइड करते हुए दोनों जॉज को हम स्टिक कर सकते हैं. उस तरह से ये स्लाइडिंग है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो हम इसको कैसे रीडिंग लेते हैं, अभी हमने उस पर डिस्कस नहीं किया है कि हाउ वी विल टेक द रीडिंग, ये अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. पहले इसका स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, तब हम इसको इसके लिए रीडिंग कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. तो आज का क्लास हम इस पर भी नहीं जाएंगे कि इससे रीडिंग हम कैसे लेंगे, ये आज का क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे.
आज का जो वीडियो है इसमें थ्रू आउट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का स्ट्रक्चर को समझेंगे और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर्स को समझेंगे. अगर हम आज हम इंक्लूड कर देते हैं हाउ टू टेक रीडिंग्स विद द वर्नियर कैलिपर्स, देन द वीडियो विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो द अगेन अ क्विक रिविजन, लेट अस डू अ क्विक रिविजन वॉट वी हैव कवर्ड जस्ट नाउ. वर्नियर कैलिपर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू टेक स्मॉल मेजरमेंट्स. ठीक है, ये हमने जाना पहला चीज. दूसरा, वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल होता है और मेन स्केल फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, और उसमें 10 सेंटीमीटर तक का ग्रेजुएशन किया गया है. और हर एक ये जो डिवीजन है आपका मेन स्केल के ऊपर, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है आप ये बताइए. मेन स्केल में, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन स्केल में एक स्मॉल डिवीजन, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है दोनों स्मॉल लाइंस के बीच का वैल्यू कितना है आप बताइए. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन है, जो मार्किंग है, ये बिल्कुल आपके जो नॉर्मल स्केल है जो आपके पेंसिल बॉक्स में है उसी स्केल के जैसा है. तो मेन स्केल का मिनिमम रीडिंग यानी दोनों स्मॉल लाइन के बीच का वैल्यू कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके नॉर्मल स्केल के तरह है जो आपके पेंसिल बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है. तो उसका भी लीस्ट काउंट 1 mm होता है, यानी मेन स्केल का भी मिनिमम रीडिंग, मिनिमम दो लाइन के बीच का वैल्यू 1 mm है. ठीक है, ओके. नाउ हियर इन दिस वर्नियर कैलिपर्स वन मोर स्केल इज देयर विच इज नोन एज वर्नियर स्केल. ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया. और वर्नियर स्केल्स में कितना डिवीजन है, 10 divisions है, 10 equal divisions है. ठीक है, इतना हमने अभी कवर किया. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, दो जॉज के बारे में डिस्कस किया हमने, इनसाइड जॉज, आउटसाइड जॉज. तो आउटसाइड जॉज में जो पहला जॉ है वो मेन स्केल का जॉ है, और जो दूसरा जॉ है वो वर्नियर स्केल का जॉ होता है. ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है. हमने एक टर्म, जो पहला टर्म आज हमने डिस्कस किया था वो कौन सा टर्म था, लीस्ट काउंट. इस टर्म को हमने डिस्कस किया था, लीस्ट काउंट मतलब द मिनिमम मेजरमेंट और द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट दैट इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का भी एक लीस्ट काउंट होना चाहिए. ठीक है, तो लीस्ट काउंट इसका कितना है, लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट, आपको ये याद रखना है. ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिविजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. यानी न्यूमरेटर में क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिविजन, मेन स्केल डिविजन का एक डिविजन, मेन स्केल का एक डिविजन का वैल्यू. तो आपका जो मेन स्केल है उसका एक डिविजन, एक स्मॉलेस्ट डिविजन का वैल्यू कितना है. मैंने आपको बताया कि मेन स्केल का एक डिविजन का वैल्यू 1 mm होता है, 1 millimeter होता है. ऑलरेडी मैंने अभी ये बताया. डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल में कितना नंबर ऑफ डिविजन्स है, टोटल डिविजन्स कितना है, 10. ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 0.1 mm. यानी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना है, 0.1 millimeter. यानी इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 centimeter. ठीक है, यानी हमारा जो वर्नियर स्केल है ये ज्यादा एक्यूरेट है नॉर्मल वाला स्केल के साथ. आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है, उसका लीस्ट काउंट 1 millimeter है. ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट आप उससे 1 millimeter ले सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर से आप मिनिमम मेजरमेंट 0.1 millimeter तक का ले सकते हैं. यानी ज्यादा एक्यूरेसी से आप रीडिंग ले सकते हैं. तो वर्नियर कैलिपर्स इज मोर एक्यूरेट देन द स्केल दैट वी यूज, दैट वी नॉर्मली यूज एंड दैट वी कीप इन आवर पेंसिल बॉक्स. उससे ज्यादा एक्यूरेट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है. तो आपको समझ में आया, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं. तो जनरली वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स जनरली कितना उसका लीस्ट काउंट रहता है, 0.01 mm. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. नाउ एक टर्म हमें जानना है, जीरो एरर. इसको जानेंगे, उसके बाद हम काइंड्स ऑफ जीरो एरर, दो तरह के जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर को हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जीरो एरर क्या होता है पहले इसको समझते हैं. लेट्स कम बैक टू द डायग्राम ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. इससे हम समझते हैं, मान लीजिए कि ये जो बॉल रखा हुआ है दोनों जॉज के बीच में, ये बॉल यहाँ नहीं है. तो बॉल अगर नहीं है तो हम
क्या कर सकते हैं, वर्नियर स्केल को हम स्लाइड करके हम मेन स्केल के जॉ के साथ सटा सकते हैं, यानी दोनों जॉज को हम एक साथ ज्वाइन कर दिए. लेट अस इमेजिन बिकॉज सिंस वी डू नॉट हैव द ओरिजिनल वर्नियर स्केल इन आवर हैंड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकली, तो आपको इमेजिन करना होगा. जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ इमेजिन करते जाइए, आपको समझ में भी आता रहेगा. तो आप इमेजिन कीजिए कि मैंने क्या किया, दोनों जॉज को एक साथ ज्वाइन कर दिया, दोनों जॉज एक साथ सटा हुआ है. तो इन दैट केस द जीरो, आप फिगर को देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, द जीरो ऑफ द मेन स्केल, कौन सा स्केल का, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, दोनों अगर एक साथ ओवरलैप कर रहा है तब हम कहेंगे कि जीरो एरर नहीं है इस वर्नियर स्केल में, जीरो एरर नहीं है. तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमने दोनों जॉज को एक साथ ज्वाइन कर दिया है उस वक्त अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, क्योंकि मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है, दोनों जीरो अगर एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल जा रहे हैं, यानी वर्नियर स्केल में कोई जीरो एरर नहीं है. और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है, अगर या तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के आगे है या पीछे है, अगर ऐसा रहता है कंडीशन, तो हमारे वर्नियर स्केल में जीरो एरर है. ठीक है, तो जीरो एरर क्लियर हो गया. तो जीरो एरर अगर है तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो बुक में क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. ओके, तो बुक में क्या लिखा हुआ है, ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स टुगेदर, इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन वी विल से दैट देयर इज नो जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स. बट इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन वी विल से दैट देयर इज जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है, क्लियर हो गया. अब टाइप्स ऑफ जीरो एरर को पढ़ते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर पॉजिटिव जीरो एरर. अब देखिए दोनों जॉज को एक साथ सटा दिया गया है, ठीक है, जॉ वन एंड जॉ टू, मेन स्केल का जॉ और वर्नियर स्केल का जॉ को ज्वाइन कर दिया गया है. लेकिन आप देखिए फिगर में कि मेन स्केल का जो जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, दोनों एक साथ तो एक लाइन में नहीं है, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, दैट मीन्स देर इज जीरो एरर. अब मेन स्केल का जीरो इधर और वर्नियर स्केल का जीरो इस साइड, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, यानी व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेफ्ट, नॉट लेफ्ट, राइट, सॉरी, राइट, व्हेन ऑन ब्रिंगिंग द जॉज टुगेदर इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. अब देखिए मेन स्केल के राइट साइड में आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जीरो इधर है, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है. तो ऐसा कंडीशन अगर होता है कि व्हेन द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, देन जीरो एरर इज सेट टू बी पॉजिटिव. और अगर नेक्स्ट फिगर को देखिए, ये है नेगेटिव जीरो एरर, यहाँ पे जो हमारा मेन स्केल का जीरो इधर है और उसके लेफ्ट साइड में आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, तो इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, देन व्हाट वी विल से, विच टाइप ऑफ जीरो एरर, वी विल से दैट इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर. तो आपको फिगर से क्लियर हो गया नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर. एग्जाम में भी अगर आता है आपको कि एक्सप्लेन जीरो एरर, आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन पॉजिटिव जीरो एरर तो भी आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन नेगेटिव जीरो एरर आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं होमवर्क में भी ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन मैं दिया हूँ, तो उस पर आप करके मुझे सेंड कीजिएगा. नाउ दिस इज अ इक्वेशन, व्हाट डज इट से, कि अगर हमारे वर्नियर कैलिपर्स में मान लीजिए जीरो एरर है, अगर जीरो एरर है तो हमें उससे करेक्ट रीडिंग डायरेक्टली नहीं मिल सकता है. तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने से पहले हमें उसको चेक कर लेना है कि उसमें जीरो एरर है कि नहीं है, ठीक है, उसी के बाद हम उससे रीडिंग्स लेते हैं. किसी भी चीज़ का डायमीटर अगर मेजर करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो डायमीटर मेजर करने से पहले मुझे क्या चेक करना है कि
वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर तो नहीं है? अगर है तो हमें करेक्ट रीडिंग डायरेक्टली नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं लेकिन इस इक्वेशन को फिर हमको फॉलो करना होगा। अगर जीरो एरर नहीं है तो भैया डायरेक्टली मैं उसको जो रीडिंग मुझसे मुझे आएगा वही रीडिंग उसका करेक्ट रीडिंग होगा। लेकिन अगर जीरो एरर है तो मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूंगा। व्हाट इज द इक्वेशन? द करेक्ट रीडिंग विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर्स आपने लिया, आपको टीचर ने जो लैब में वर्नियर कैलिपर्स दिया, आपके वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर है। आपने जब दोनों जॉज को सटाया तो आप देख रहे हैं कि उसमें जीरो एरर है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड में है यानी पॉजिटिव जीरो एरर है। तो आपने कितना पॉजिटिव जीरो एरर है ये आप मेजर कर लिए। मान लीजिए आपका पॉजिटिव जीरो एरर जो है, फॉर एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि उसमें 0.2 सेंटीमीटर का उसमें आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.2 सेंटीमीटर का पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो इसका साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आपने जो भी रीडिंग ऑब्जर्व किया जीरो एरर के साथ था तो आपको क्या करना है, वो पॉजिटिव जीरो एरर को आपको यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो आप मान लीजिए ऑब्जर्व रीडिंग आपका कुछ भी वैल्यू आया 4.32 आपका आया सेंटीमीटर, तो 4.32 माइनस प्लस 0.2 सेंटीमीटर, तो आपको ये साइन के साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी 4.32 माइनस 0.2 सेंटीमीटर आप कीजिएगा तो आपको करेक्ट रीडिंग आएगा। और अगर आपका वर्नियर कैलिपर्स में मान लीजिए नेगेटिव जीरो एरर है, मान लीजिए आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है वो मेन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है यानी आपका नेगेटिव जीरो एरर है, तो फॉर एग्जांपल आपका नेगेटिव जीरो एरर आता है माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो आपको नेगेटिव है तो आपको साइन नेगेटिव लेना है और फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। तो ऑब्जर्व रीडिंग मान लीजिए आपका 4.32 आया लेकिन आपको माइनस करना है आपके जीरो एरर के साथ, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4.32 माइनस 0.2 सेंटीमीटर यानी 4.32 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें कैसे हम रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स में ये हमारा आज का विषय नहीं था डिस्कस करने का। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर पर तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं। तब मैं फिर से इस इक्वेशन पे वापस आऊंगा जहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, क्योंकि हमने आज तो रीडिंग की बात हम आज करेंगे ही नहीं, तो इस पर हम रीडिस्कशन करेंगे इस इक्वेशन पर। लेकिन इस इक्वेशन के पहले तक मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज का होमवर्क को मैं देता हूं आपको। टुडेज होमवर्क इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी मैंने आज डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर्स एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स। आप इसमें डायग्राम भी बनाइएगा जब आप जीरो एरर को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मुझे आप होमवर्क भेज दीजिएगा यहाँ पर sunando.devnath@yahoo.com में और ज़रूर अपना नाम और स्कूल मेंशन कीजिएगा। ओके, सो मीट यू सून एंड कीप योर कीप द वॉर अगेंस्ट कोरोना बाय स्टेइंग एट होम, स्टे सेफ। ओके एवरीबॉडी, आप सब अच्छे रहिएगा और मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक